एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टॉप 5 ब्रांचेस, बेसिकली कोर ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे जो कि आईआईटीज में है। आप देख सकते हो कि अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो 4000 रैंक तक आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। अगर आईआईटी बीएसयू में भी बात करो तो 10000 प्लस, अब कोई और आईटी है इसमें 18000 तक आपको रैंक मिल रहा है। और आईटी गुवाहाटी में भी अगर आप बात करो तो 8400 तक मिल रहा है। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जनरल न्यूट्रल की बात करेंगे एंड फीमेल सुपर न्यूमरी सीट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी क्या क्या है ब्रांचेस। तो सबसे पहले अगर सबकी जो फेवरेट है, अगर मैं आईटी बॉम्बे की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे 67 गया है जनरल न्यूट्रल का, और गर्ल्स लोगों का जो है वो 291 है। इसी तरीके से अगर आप एसटी में आते हो तो देख सकते हो उनका कैटेगरी रैंक भी लिखा हुआ है कि किस रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ था, किस रैंक पे वो ओपन हुआ था। अगर मैं आईटी बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 481 था और फीमेल सुपर न्यूमरी में 1286 था। उसी तरीके से सिविल देखो तो 4000 रैंक तक भी आपको सिविल मिल रहा है, और गर्ल्स लोगों को तो 8000 रैंक तक मिल सकता है। तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो हम सबकी फर्स्ट चॉइस होती है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू गिव द प्रायोरिटी टू आईआईटी बॉम्बे ओनली। द सेकेंड वन इज आईआईटी दिल्ली, वहां पे भी आप देख सकते हो जो बॉयज हैं, जो न्यूट्रल वाले लोग हैं, उनका तो 118 पे क्लोज हो गया है, बट जो गर्ल्स हैं वो 419 तक गया है। उसी तरीके से आप बाकी के ब्रांचेस देख सकते हो पॉज करके। सिविल इंजीनियरिंग देखो 4472 तक, और गर्ल्स लोगों का 9291 तक गया, तो काफी अच्छा यहाँ पे भी स्कोप है। 10000 रैंक भी अगर गर्ल्स का है तो उनको मिल रहा है आईआईटी दिल्ली में, एक अच्छा सा कोर ब्रांच। आईआईटी कानपुर की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 238 है, और इधर पे देखो तो 610 है। उसी तरीके से अगर इसकी लास्ट ब्रांच देखो सिविल इंजीनियरिंग तो 6116 है, और इधर है 12389, तो काफी अच्छा स्कोप है, देखो 12000 तक मिल रहा है। आईआईटी मद्रास, हम सबको पता है कि इसकी जो एनआरएफ है वो 1 जा रही है, एनआरएफ में 1 है ये, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 148 है, यहाँ पे 479 है, और सिविल देखो 6100, और यहाँ पे भी अगेन वो 10000 तक सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है। अगर मैं आईआईटी खड़गपुर की बात करूं तो यहाँ पे देखो 279 है, और यहाँ पे गर्ल्स लोगों का 702 तक में भी सीएससी मिल रहा है। और अगर लास्ट ब्रांच बात करो तो सिविल इंजीनियरिंग 7177 और 13738, इलेक्ट्रिकल भी देख सकते हो 1033 एंड 4865। अब आईआईटी गुवाहाटी की अगर बात करो तो 654 पे तो सीएससी ही सिर्फ मिल रहा है, और 1718 मतलब नियर अबाउट 2000 तक में जा करके गर्ल्स लोगों को यहाँ पे भी मिल जा रहा है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 8453 और यहाँ देखो 155530। आईआईटी रुड़की की बात करूँ तो सीएससी 412 है, 1165 है, और यहाँ पे देखो तो 7101290904, तो काफी अच्छा स्कोप मतलब गर्ल्स लोगों के लिए है जहां से वो अच्छे से कर सकती है। अब मान लो कुछ मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड वन का आज रिजल्ट आया है, और कुछ लोगों को उनकी मनपसंद की चीजें नहीं मिल रही होगी, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन विजिट अस। जैसा कि जोसा काउंसलिंग का अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी ओपन है, और काफी सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल रहे हैं, कोई भी काउंसलिंग के लिए विजिट कर सकते हैं। हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो वी आर गिविंग अ कंप्लीट सपोर्ट। 2.5 लाख रैंक तक भी अगर आपकी एनआईटीज और ट्रिपल आईटी में रैंक है तो वी आर गिविंग डॉक्यूमेंट सपोर्ट। क्या लगेगा, टेलीग्राम कम्युनिटी है, 1-2 कॉल हेल्प है, चॉइस फिलिंग प्रॉपर आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ में मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी रहता है डेली का, आप मेरे से बात कर सकते हो, ऑल कॉलेज डिटेल है, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड काउंसलर, हम लोगों के पास एक डेडिकेटेड काउंसलर है, वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, दिस इज आवर वेबसाइट crackiit.live। अब दूसरे आईटीज की बात करते हैं, आईआईटी पटना, हाँ आईआईटी पटना के बारे में बोलूंगा, स्पेशल है बिकॉज आईआईटी पटना में इस बार टोटल मिला के 90 सीट्स इंक्रीज कर दिए गए हैं, तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि सीएससी का जो कट ऑफ है वो नीचे की तरफ आएगा। फिर भी देखो जनरल न्यूट्रल 2811 और इधर देखो तो 5877, और इधर अगर देखो सिविल 15295 और इधर देखो 22284, मतलब कितने पीछे तक भी आपको मिल सकता है ना। अगर आईआईटी जोधपुर की बात करें तो सीएससी 2408 और गर्ल्स का तो 6040, और उसी तरीके से सिविल की बात करो तो 14476 है और इधर बात करो तो 21482 है। ट्रिपल आईआईटी आईआईटी हैदराबाद, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट। ये आईआईटी हैदराबाद इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसका लोकेशन जो है वो सबसे अच्छा है और यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हो इसका सीएससी काफी पहले ही क्लोज हो जाता है 674 पे और 1300 गर्ल्स के लिए गया हुआ है। और अगर सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा पीछे जाएगा बिकॉज ये थोड़ा नया सा है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में वी कैन टॉक, आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो आईआईटी भुवनेश्वर का जो रैंक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आईआईटी भुवनेश्वर का, तो 3101 इसका सीएससी का ब्रांच है, और आईआईटी भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं, और 5206 जो है वो गर्ल्स लोगों का है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम बात करो तो 7714 है, और 1289 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो 10826 है, और इधर 17907 है। ईसी की बात करो तो 5190 है, 8719 है। आईटी रोपाड़ की बात करो, रोपाड़ ये भी एक नया वाला आईटी है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सीएससी कितना आ रहा है, 1859, 1859 यहाँ पे आ रहा है, और 4212 यहाँ पे आ रहा है। मैकेनिकल को भी आप बात कर सकते हो, 8926 है, और आईआईटी गांधीनगर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आईआईटी गांधीनगर में अगर सीएससी देखो तो 1555 तक जा रहा है, तो काफी अच्छा स्कोप है। तो कुल मिला के जो न्यू आईआईटीज हैं उसमें भी चांसेस आर देयर, यू कैन टेक इट। काफी सारे ब्रांचेस बढ़े हैं, कहीं पे भी अगर सीएससी मिल रहा है तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर। आईआईटी इंदौर का देखो तो 1385 है, और 2768 है यहाँ पे देख रहे हो। आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग देखो तो 10994 है, एंड दिस इज लाइक आईआईटी मंडी में अगर सीएससी की बात करो तो 2909 है। आईआईटी भिलाई में बात करो तो 1079 है। अगर तुम आईआईटी तिरुपति में बात करो तो 3701 है। आईआईटी पलकड़ में बात करो तो 51062 है। आईआईटी पलकड़ में अगर हम बात कर रहे हैं तो 51072 आ रहा है, सॉरी फॉर अगेन दिस इंटरप्शन। ठीक है, ओके, लीव इट। सो आईआईटी गोवा में अगर बात करो तो आ रहा है तुम्हारा 4232, है ना, आईआईटी गोवा में 4323-7646। और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, तो यू कैन चेक इट आउट। अगेन दीज आईआईटीज आर आल्सो गुड, इफ यू आर गेटिंग अ रैंक अंडर 18K तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड डिसेंट कोर ब्रांचेस। अगर आईसीएम धनबाद की बात करें तो 3528 है, 6454 है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें माइनिंग वगैरह भी काफी अच्छा होता है। आईटी धारवाड़ की बात करें तो 5973-10825 है, और यहाँ पे अगर सिविल की बात करो तो 22,000 तक गर्ल्स में जा रहा है। और आईटी धारवाड़ में भी मोस्ट प्रोबेबली काफी सारे ब्रांचेस जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ट्रिपल आईटीज के मोस्टली, सॉरी, या आईटी धारवाड़ में भी काफी सारे ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ईसी पर्टिकुलरली, ईसी ब्रांच का। आईआईटी जम्मू बात करो तो 4856-9840, और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग 1678-36 एंड 24403। आईआईटी भिलाई की बात करो तो अगेन सीएससी 5791-1120, इतना आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा ये कहना है अगेन कि प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग करें। लास्ट ईयर का जो प्रॉपर काउंसलिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग जरूर देखें, क्लोजिंग वाला ओपन क्या हो रहा था, किस पे हो रहा था। इफ अगर आप फीमेल हैं तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और आप जेई स्मैशर्स, हमारा ये वाला गूगल प्ले पे ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर डाउनलोड कर ले। और ये हमारा खुद का वेबसाइट है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं, जो कि दोनों का दोनों जो पीडीएफ है पूरा का पूरा, और काउंसलिंग जो है डिस्क्रिप्शन में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहां पे आपको काफी सारे अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहते हैं। तो प्लीज विजिट आवर टेलीग्राम, बिकॉज वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जेईई एस्पिरेंट, और अच्छे से दे, कोई भी क्वेरी है प्लीज विजिट अस, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक